हेलो फ्रेंड्स, सो एक नए फ्रेश टॉपिक की जो आज हम शुरुआत करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। दोस्तों, सिर्फ नाम में कॉम्प्लेक्स है, बाकी टॉपिक में थोड़ा भी कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं है। बहुत इजी है, बहुत आसान है। हर बार की तरह मैं इस बार भी वही बोलूँगा, लेकिन कब, अगर आप इसको कंसेप्चुअली याद रखो तो ठीक है। अगर आप इसको वेग मैनर में कैसे भी बस पढ़ना है इसलिए पढ़ने रट्टाबाजी करोगे तो गए, फिर वाकई ये अपने नाम की तरह काम करेगा। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत आसान टॉपिक है। पहले होता क्या है वो देखो। देखो दोस्तों, नंबर सिस्टम की दुनिया में दो टाइप के नंबर होते हैं। एक होता है रियल नंबर, ठीक है, और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। नाम ही है, रियल मतलब क्या, जो रियली एग्जिस्ट करता है, प्रैक्टिकली प्रेजेंट है, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट, उसको बोला जाता है रियल नंबर। जैसे कि रियल नंबर दुनिया में हम क्या क्या देखे, बचपन से लेकर अब तक होश संभालते ही हमने कौन से नंबर देखने शुरू किए हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है, मतलब 1 to infinity सारे जो इंटीजर से पॉजिटिव इंटीजर वो नेचुरल है। देन होल नंबर, होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर तो आते ही है, एक जीरो डिजिट एक्स्ट्रा आ जाता है। देन नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये दोनों सिर्फ पॉजिटिव की नंबर की बात करते हैं, इंटीजर्स निगेटिव की भी बात करता है, लेकिन सारे राउंड फिगर नंबर्स, डेसिमल एक भी नहीं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीजर्स है। देन डेसिमल्स, फिर जो भी डेसिमल है या फ्रैक्शन है, 2.5, 3.5, 2/5, 7/10, ये जो भी फ्रैक्शन है ये सारे डेसिमल में आते हैं। -3.2, -1.33, ये सब इसमें आते हैं, ठीक है, डेसिमल में। सो इसमें 1 to infinity, 0 to infinity, -infinity टू प्लस इन्फिनिटी इंटीजर्स में, लेकिन राउंड फिगर थे सारे, डेसिमल में फिर आए सारे डेसिमल वाले वैल्यूज़, पॉइंट वाले वैल्यूज़, फ्रैक्शनल वैल्यूज़, फिर इवन नंबर, ऑड नंबर, ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है, इवन ऑड। देन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर यानी वो नंबर होते हैं जो सिर्फ वन से और खुद से डिवाइड होते हैं, विच कैन बी डिविजिबल बाय वन और खुद। एंड नेक्स्ट कंपोजिट, सो द नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय वन एंड द नंबर इटसेल्फ वो प्राइम है, और उसका अपोजिट कंपोजिट। जैसे इवन का अपोजिट ऑड, उसी तरह प्राइम का अपोजिट कंपोजिट, ठीक है, कि वो नंबर जो वन और खुद के अलावा बाकियों से भी डिवाइड होते हैं वो कंपोजिट नंबर है। तो ये सब दोस्तों प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करते हैं, अब हमें इनके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वो हम देख चुके हैं स्कूल में, ठीक है, बट ये सारे नंबर प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करते हैं, और इसीलिए इन सारे नंबर को मिलाकर जो एक सिस्टम बनती है उसको बोला जाता है रियल नंबर सिस्टम। इन सारे नंबर्स को मिलाकर जो एक सिस्टम बनती है उसको बोला जाता है रियल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो हर वो नंबर जो है उसको बोला जाता है रियल। आपको 3 mark मिले होंगे कभी एग्जाम में, 2 मिले होंगे, हर बार मिले होंगे, बार बार मिले होंगे, ठीक है, तो वो सारे क्या है, मिले हैं ना आपको, आपके पापा की कोई सैलरी होगी, बराबर, आपने एक एप्पल फ़ोन परचेस किया उसकी प्राइस कुछ और होगी, आपने एक नया फ़ोन परचेस किया उसकी प्राइस कुछ और होगी, पेन परचेस किया उसकी प्राइस कुछ और होगी, तो ये सारे नंबर है। तो ये है रियल नंबर सिस्टम। और दूसरा आता है इमेजिनरी नंबर सिस्टम। इमेजिनरी मतलब जो सिर्फ ख्यालों में है, प्रैक्टिकली डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। जैसे कि भगवान हमें फील होते हैं, हमारे अंदर है, हमें ख्यालों में, हमें इमेजिन करते हैं भगवान को, उनकी मूरत को, ठीक है। जब भी हम टेंशन में हो हम भगवान को इमेजिन करते हैं, हमें कभी दिखे भगवान आज तक नहीं दिखे, बट बस उनको इमेजिन करके दिल को तसल्ली मिलती है, वही चीज़ है इमेजिनरी नंबर। वो नंबर जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, बट कभी कभार कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि वहाँ पे आपको कोई ना कोई इमेजिनरी नंबर लेना होता है, और इसीलिए वो चीज़ कंसिडर की जाएगी। और इसलिए नंबर सिस्टम की दुनिया में जितना आप रियल देख रहे हो उतना इमेजिनरी पार्ट को भी देखना ज़रूरी है। अब सर इमेजिनरी मतलब कैसे, बता दो, चलो ये तो आपने बता दिया 1 to infinity, -infinity, -2.5 वगैरह वगैरह, सो ये क्या है, चलो एक इक्वेशन बता दो मैं आपको, x² + 1 = 0, x² + 1 = 0 है। तो अब मुझे बताओ, अगर मुझे x² निकालना है, x निकालना है, तो x आप कैसे निकालोगे, रूल के हिसाब से जो भी निकालना है उसको अकेला करो, सो ये प्लस वन उधर जाके -1 हो गया, सो x² - 1 खत्म, यही आ गए हमें पसीने, क्योंकि बचपन से अब तक हमने जो एक बात सीखी थी वो बात यहाँ गलत होते हुए दिख रही है हमें। बचपन से लेकर अब तक हमने एक बात सीखी थी कि कोई भी नंबर का स्क्वायर, फिर भलाई वो नंबर पॉजिटिव हो, भलाई वो नंबर निगेटिव हो, भलाई वो नंबर इंटीजर हो, भलाई वो नंबर डेसिमल हो, कोई भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है।
पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव आता है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही आता है। आज तक हमने कोई भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं देखा है। फिर आप माइनस 2.5 का स्क्वायर लो वो भी 6.25 आएगा, माइनस 2.5 का स्क्वायर लो वो भी 6.25 आएगा, बराबर 1/3 का स्क्वायर लो वो भी 1/9 आएगा, माइनस 1/3 का स्क्वायर लो वो भी 1/9 ही आएगा। ठीक है, कोई भी नंबर का स्क्वायर ये कभी भी निगेटिव नहीं होता है। लेकिन यार ये तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज जीरो, ये प्लस वन उधर गया माइनस हो गया। एक्स एक नंबर है, एक्स एक नंबर है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो बट एक्स का स्क्वायर है यानी कोई भी नंबर का स्क्वायर, ये निगेटिव कैसे आ गया? प्रैक्टिकली तो ऐसा होता ही नहीं है कि कोई भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव आना, ये आ कैसे गया? ये आया है मतलब ये सिर्फ, ये एक्चुअल तो दिखता नहीं है ऐसा, कोई भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव, ये मतलब इमेजिन है, इसको इमेजिन करो, ये हुआ नहीं है, ये बस हमारे ख्यालों में, शायद हम सपने में हैं। ठीक है, हम सोए हुए हैं, हम सपने में हैं, इसलिए किसी भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव हमें दिख रहा है। तो याद रखो दोस्तों, कभी भी कोई भी नंबर का स्क्वायर अगर निगेटिव आ गया, ये रियल दुनिया में नहीं होता, ये इमेजिनरी दुनिया में होता है। ठीक है, और इसीलिए अगर मुझे यहाँ पे देखो, ठीक है, लिखते रहो मेरे साथ। सो आपको पता है कोई भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो अगर इसीलिए मैं यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अगर मैं एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट लूँ, माइनस वन का भी स्क्वायर रूट लूँ, तो ये तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, ये मिल गया एक्स की वैल्यू रूट में माइनस वन। अगेन जैसे कोई भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं आता है, उसी तरह रूट में भी कभी माइनस साइन आज तक हमने देखा नहीं है, और रूट में माइनस साइन आ जाना या कोई भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव आना, यही सबसे बड़ा इन्विटेशन है इमेजिनरी नंबर को। ठीक है, यही सबसे बड़ा इन्विटेशन है इमेजिनरी नंबर को। जनरली हम जब बहुत खुश होते हैं, मस्ती में होते हैं, तो भगवान को याद नहीं करते, जब दुख होता है, डिप्रेशन होता है, तो भगवान याद आते हैं, बस वही है। जब आपको सारे रियल सब चीज़ें प्रैक्टिकली एग्जिस्ट वाली चीज़ें दिखी, जैसे कोई भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव दिख रहा है, स्क्वायर रूट में भी सब पॉजिटिव है, तो रियल है। लेकिन कभी भी आपको आगे यहाँ से इस चैप्टर में कोई भी स्क्वायर निगेटिव दिख गया या कोई भी रूट में निगेटिव वैल्यू आ गई, तो फिर यहाँ पर हम इमेजिनरी नंबर को याद करें। ठीक है, सो दोस्तों, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर इन दोनों के मिली भगत से बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट। दिस इज द सिंपल शॉर्टेस्ट एंड द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी वो नंबर भी जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करते हैं, और वो नंबर भी जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ सॉल्यूशन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिचुएशन, कि ऐसी सिचुएशन आ गई है, अब क्या करें, तो उसको तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में दिखाना होगा, तो वो हम दिखाते हैं इन द फॉर्म ऑफ इमेजिनरी नंबर। तो याद रखो, इमेजिनरी नंबर का सिंबल है आई। ठीक है, सो आई किसकी वैल्यू है? आई इज द वैल्यू ऑफ रूट माइनस वन। आई की वैल्यू है रूट माइनस वन। तो जब भी रूट में माइनस वन आएगा, उसको आप रिप्लेस कर सकते हो आई सिंबल से। आई सिंबल जैसे दिख गया, समझ जाओ ये बात कर रहा है इमेजिनरी पार्ट की। आई सिंबल अगर नहीं है, 3 है, 5 है, 6 है, 8 है, ऐसी कुछ वैल्यू दिख रही, मतलब वो रियल है। लेकिन 3i, 6i, 8i, मतलब ये पार्ट हो गया है इमेजिनरी। सो आई इज़ द सिंबल फॉर इमेजिनरी पार्ट, और इन दोनों को मिलाकर, रियल और इमेजिनरी पार्ट को मिलाकर बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है दोस्तों, सो एक्स जैसे हमारा रूट में माइनस वन आया, रूट में माइनस वन इज़ द वैल्यू फॉर आई, और आप बोलो आई की वैल्यू है रूट में माइनस वन। एंड आई ये आज से लेकर, अभी से लेकर इस चैप्टर में जब जब आई आएगा, इट रिप्रेजेंट इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ये जिसके भी साथ लग जाएगा उसको इमेजिनरी बना देगा। ठीक है, जैसे भगवान का आशीर्वाद जिसके ऊपर लगे उसकी दुनिया बन गई, उसकी लाइफ बन गई, उसी तरह आई जिसके भी साथ लग जाएगा, जब तक 3 है तब तक 3 रियल पार्ट है, लेकिन उसके साथ जैसे ही आई लग गया, ये इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। ठीक है, माइनस 7 है, रियल है, जैसे उसके साथ आई लग गया इमेजिनरी। माइनस 1/3 रियल है, जैसे उसके पास आया लग गया इमेजिनरी। ठीक है, सो बस याद रखो दोस्तों, लिख लो यहाँ तक लिख लो, फिर आगे की बातें फटाफट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एज वेल एज इमेजिनरी। वो ना ही सिर्फ रियल को कंसिडर करता है, ना ही सिर्फ इमेजिनरी को, दोनों को। ठीक है, दोनों यानी ओवरऑल पूरी नंबर सिस्टम को वो कंसिडर करता है।
क्योंकि नंबर सिस्टम कभी भी सिर्फ रियल नहीं है। नंबर सिस्टम में कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है, आ जाती है, जहाँ रियल नंबर सिस्टम का स्कोप लिमिटेड हो जाता है, जहाँ कोई भी रियल नंबर हमें उस सिचुएशन पे मैच नहीं करता है, और तब जाकर फिर इमेजिनरी पार्ट पिक्चर में आता है। ठीक है, तब जाकर जब जिसका कोई नहीं होता है नंबर सिस्टम के लैंग्वेज में, जिसका कोई नहीं होता है उसका इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, सो रियल तो खैर रियल है ही, लेकिन हर वो सिचुएशन, जैसे आपके सामने ये सिचुएशन मैंने दे दी कि स्क्वायर नेगेटिव आ जाना, ये तो रियल नंबर ने तो हाथ खड़े कर दिए कि भाई नहीं 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 ये मेरा नहीं है, कोई मैं तो कोई भी वैल्यू का, कोई भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं देता हूँ, ये मेरा नहीं है, तो फिर इसको किसी ना किसी को तो उसका बनना पड़ेगा ना गॉडफादर। तो गॉडफादर मतलब क्या है, इमेजिनरी नंबर सिस्टम, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है दोस्तों, सो चलो, कॉम्प्लेक्स नंबर इज, अब हम देखते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज अ जेड सिंबल, और उसका स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है ए प्लस बी आई। जेड इज द सिंबल फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। ए को बोला जाता है रियल पार्ट, मैंने कहा है ना कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या है, रियल और इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन। तो ए मतलब रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड बी मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि मैंने आपसे कहा है ये आई जिसके साथ लग जाए उसको इमेजिनरी बना देता है। सो आई किसके साथ लगा है, बी के साथ, तो बस आई जिसके साथ लग गया इमेजिनरी पार्ट, जिसके साथ आई नहीं है, यहाँ कहीं भी आई दिख रहा है आपको ए के साथ नहीं, तो ये रियल पार्ट है। ठीक है, सो ये हो गया रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है आर ई ऑफ जेड। ठीक है, और इसको सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है इमेजिनरी यानी आई एम ऑफ जेड। ठीक है दोस्तों, सो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ आय है वो इमेजिनरी पार्ट है, जहाँ आय नहीं है वो रियल पार्ट है, और रियल पार्ट को ही सिम्बॉलिकली, जेड इज द कॉम्प्लेक्स नंबर का सिम्बॉल, सो रियल पार्ट को ही सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है आर ई ऑफ जेड यानी रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है आई एम ऑफ जेड यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। क्लियर, सो ये हुआ उसका रिप्रेजेंटेशन। अब देखो, जैसे अभी मैंने आपसे कहा आई की वैल्यू है रूट में माइनस वन, ठीक है, आई की वैल्यू है रूट माइनस वन, अगर मैं ले लूँ स्क्वायर ऑन बोथ साइड यानी आई का स्क्वायर और माइनस वन का भी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल यानी माइनस वन बचा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, बचा क्या माइनस वन, यानी आई स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस वन। देखो एक एक वैल्यू मिलती जा रही है, आई जब भी दिखा उसको आप रूट माइनस वन से रिप्लेस कर सकते हो, रूट माइनस वन जब भी दिखा उसको आई से रिप्लेस कर सकते हो। उसी तरह आई स्क्वायर मतलब क्या, माइनस वन। चलो अब आई क्यूब देखते हैं, आई क्यूब को आप ऐसे लिख सकते हो आई स्क्वायर इंटू आई, बराबर ना, आई क्यूब को आप आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हो, आई स्क्वायर इंटू आई फिर से क्या हुआ आई क्यूब, सो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, माइनस वन इंटू आई, आई स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, माइनस वन यहाँ रख दी आई एज इट इज, सो माइनस वन इंटू आई माइनस आई, माइनस वन इंटू आई कितना हुआ माइनस आई। नेक्स्ट मतलब देखो आई की वैल्यू मिल गई, उससे आई स्क्वायर की निकाल ली, अब आई स्क्वायर से आपने आई क्यूब की निकाल ली, नाउ आई रेस टू फोर, आई रेस टू फोर को आप ऐसे लिख सकते हो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, सो आई स्क्वायर मतलब आपको पता है आई स्क्वायर इज माइनस वन इंटू आई स्क्वायर इज अगेन माइनस वन, सो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर यानी माइनस वन इंटू माइनस वन क्या हुआ प्लस वन। देखो आई रेस टू फोर की भी वैल्यू मिल गई, सो आई आई स्क्वायर आई क्यूब आई रेस टू फोर की वैल्यू क्या है, स्टैंडर्ड है, आई की वैल्यू तो ये है जहाँ से हमने शुरुआत की रूट में माइनस वन, आई स्क्वायर अब आगे जहाँ भी आपको दिखेगा आई स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो माइनस वन, क्योंकि आई स्क्वायर की स्टैंडर्ड वैल्यू है माइनस वन। आई क्यूब आपको जहाँ भी दिखेगा तो आई क्यूब की जगह आप लिख सकते हो माइनस आई, आई क्यूब यानी माइनस आई, और आई रेस टू फोर आपको जहाँ भी दिखेगा उसकी जगह सीधा वन, आई रेस टू फोर की स्टैंडर्ड वैल्यू वन। ठीक है, सो इतना लिख लिया आपने, मैं मिटा रहा हूँ। अब देखो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ये चार पावर तो हमने लिख ली है आई रेस टू वन आई स्क्वायर आई क्यूब आई रेस टू फोर, अगर मैं आगे और लूँ यानी आई रेस टू फाइव आई रेस टू सिक्स आई रेस टू सेवन एंड आई रेस टू एट,
मुझे बताओ आई आर एस टू फाइव को मैं ऐसे लिख सकता हूँ आई आर एस टू फोर इंटू आई, बिल्कुल जैसे हमने आई क्यूब को आई स्क्वायर इंटू आई लिखा, सो आई आर एस टू फाइव को मैं लिख सकता हूँ आई आर एस टू फोर इंटू आई। और मुझे बताओ आई आर एस टू फोर की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं वन इंटू आई, सो वन इंटू एनी थिंग इज दैट थिंग, वन इंटू आई इज आई। अगेन आई आर एस टू सिक्स को हम लिखेंगे आई आर एस टू फोर इंटू आई स्क्वायर, बराबर। सो आई आर एस टू फोर इज वन, आई स्क्वायर इज माइनस वन, वन इंटू माइनस वन माइनस वन। आई रेस टू सेवन को हम लिखेंगे आई रेस टू फोर इंटू आई क्यूब, बराबर, रेस टू सेवन है तो रेस टू फोर इंटू रेस टू थ्री। सो आई रेस टू फोर इज वन इंटू आई क्यूब इज माइनस आई, सो वन इंटू माइनस आई माइनस आई। एंड आई रेस टू एट आप लिख सकते हो आई रेस टू फोर इंटू आई रेस टू फोर, सो आई रेस टू फोर है वन इंटू वन एंड वन इंटू वन वन। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, आई रेस टू वन टू थ्री फोर की जो वैल्यू है, आई रेस टू वन की वैल्यू सपोज रूट माइनस वन, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई, आई रेस टू फोर की वैल्यू वन, दिख तो वही साइकिल रिपीट हुई है आई रेस टू फाइव से लेकर आई रेस टू एट तक। देखो आई रेस टू फाइव की वैल्यू फिर से आई, आई रेस टू फाइव की वैल्यू फिर से आई यानी कि रूट माइनस वन, आई रेस टू सिक्स की वैल्यू माइनस वन जो कि आई स्क्वायर की थी, देन आई क्यूब की जो माइनस आई थी वही आई रेस टू सेवन की आई, और आई रेस टू फोर की जो वन थी वही आई रेस टू एट की आई। समझ रहे हैं आपको, समझ रहे हैं आपको कि हर चार पावर के बाद ये आई की वैल्यू की साइकिल रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है। चलो चाहे तो एक बार और देख लो, आगे मैं लेता हूँ आई रेस टू एट तक हो गया, नो आई रेस टू नाइन, आई रेस टू टेन, आई रेस टू इलेवन, आई रेस टू ट्वेल्व। आई रेस टू नाइन को आप लिख सकते हो आई रेस टू एट इंटू आई, इसको आप लिख सकते हो आई रेस टू नाइन इंटू आई स्क्वायर, ये आई रेस टू एट, बराबर, आई रेस टू एट इंटू आई स्क्वायर अगेन, तो आई रेस टू नाइन हो गया आई रेस टू एट इंटू आई, आई रेस टू टेन हो गया आई रेस टू एट इंटू आई स्क्वायर, आई रेस टू इलेवन इज आई क्यूब इंटू आई रेस टू एट इंटू आई क्यूब, एंड आई रेस टू ट्वेल्व हो गया आई रेस टू एट इंटू आई रेस टू फोर। ठीक है, सो आई रेस टू एट इंटू आई, आई रेस टू नाइन, आई रेस टू एट इंटू आई स्क्वायर, आई रेस टू टेन, रेस टू एट इंटू रेस टू थ्री, आई रेस टू इलेवन, एंड रेस टू एट इंटू रेस टू फोर, रेस टू ट्वेल्व। और फिर से देखो दोस्तों, बिल्कुल आपके सामने आई रेस टू एट की वैल्यू अभी आपने खुद ने निकाली, आई रेस टू एट है वन, वन आई रेस टू एट इंटू आई, सो वन इंटू आई फिर से आई, आई रेस टू एट है वन और आई स्क्वायर माइनस वन, वन इंटू माइनस वन माइनस वन, आई रेस टू एट इज वन एंड आई क्यूब इज माइनस आई, वन इंटू माइनस आई माइनस आई, एंड अगेन आई रेस टू एट इज वन, आई रेस टू फोर इज वन, सो अगेन वन इंटू वन वन। फिर से वही साइकिल रिपीट हुई, आई माइनस वन माइनस आई वन, आई माइनस वन माइनस आई वन, आई माइनस वन माइनस आई वन। आफ्टर एवरी फोर्थ पावर साइकिल रिपीट्स 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 इटसेल्फ। ठीक है, सो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी अगर आपको आई की पावर निकालने बोले, जैसे आपको निकालने बोले फाइंड आई रेस टू फोर फाइव थ्री टू, फाइंड आई रेस टू थ्री सेवन टू एट नाइन फाइव, कितनी भी अजीब कितनी भी बड़ी पावर उसने निकालने बोलने दो, आप बहुत ही आसान बहुत ही ईजी ट्रिक से निकाल सकते हो। वो ट्रिक क्या है जस्ट अब मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊँगा, पहले आप इतना लिख लो। बट वो ट्रिक इसीलिए अप्लाई होती है क्योंकि आप एक रूल समझ गए हो कि आफ्टर एवरी फोर्थ पावर आई की वैल्यू रिपीट होती है। आई की जो ये चार पावर की साइकिल है आई रेस टू वन स्क्वायर क्यूब और रेस टू फोर, ये जो साइकिल है ये आफ्टर एवरी फोर्थ पावर फिर से रिपीट होती है अगले चार के लिए, ये फिर से रिपीट होती है अगले चार के लिए, वो फिर से रिपीट होगी अगले चार के लिए, यानी आई रेस टू थर्टीन, आई रेस टू फोर्टीन, आई रेस टू फिफ्टीन, आई रेस टू सिक्सटीन, उनके लिए भी डिक्टो यही वैल्यू आएगी आई माइनस वन माइनस आई वन। ठीक है, सो वो हम बात करते हैं, पहले आप आई की ये सारी वैल्यूज लिख लो, फिर आई रेस टू बड़ी बड़ी पावर हार्डली सम सेकंड्स में आप कैसे निकालते हो वो हम देखेंगे। ठीक है, लिख लो ये। आई रेस टू बड़ी से बड़ी पावर आप कैसे इजीली निकालोगे वो हम देखेंगे थोड़ी देर में। पहला इतना लिख लो,
ठीक है दोस्तों। सो देखो अब देखो मैं मिटा देता हूँ मेन जो चार पावर से उसको रखता हूँ सामने, बाकी से मिटा देता हूँ। सो आपके सामने है आई रेस टू वन की वैल्यू, आई स्क्वायर की, आई क्यूब की, आई रेस टू फोर की। अब पता है आई रेस टू वन को आप हमेशा बोलोगे रिमाइंडर वन, मतलब जब भी रिमाइंडर वन आएगा तो आप बोलोगे आई आंसर है, जब भी रिमाइंडर टू आएगा तो आप बोलोगे माइनस वन आई स्क्वायर आंसर है यानी माइनस वन, जब भी रिमाइंडर थ्री आएगा तो आप बोलोगे आई क्यूब आंसर है यानी माइनस आई, और जब भी रिमाइंडर जीरो आएगा तो आप बोलोगे आई रेस टू फोर आंसर है यानी कि वन। ठीक है दोस्तों। सो सर अब ये क्या बता रहे हो, कुछ समझ नहीं रहा है। ये बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको समझेगा, सिर्फ ध्यान देना कि जब भी अब रिमाइंडर वन आएगा आप बोलोगे आंसर इज आई, रिमाइंडर टू यानी आंसर इज आई स्क्वायर, रिमाइंडर थ्री यानी आंसर इज आई क्यूब, एंड रिमाइंडर फोर यानी आंसर इज आई रेस टू फोर। आई रेस टू फोर यानी ही वन, आई क्यूब यानी ही माइनस आई, आई स्क्वायर यानी माइनस वन, और आई को आई ही बोलो या फिर रूट माइनस वन। ठीक है सर, ये रिमाइंडर तो तब आता है ना जब आप किसी को किसी से डिवाइड करते हो। ठीक है, जब किसी को किसी से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आता है। हमें करना क्या है, किसको किससे डिवाइड करना है, तो ध्यान देना। चलो मैं ये एग्जांपल करता हूँ, आई रेस टू 4532 की क्या वैल्यू आने वाली है ये कुछ सेकंड में आप निकालोगे। अब मुझे बताओ, आपको पता है आई की हर फोर्थ पावर के बाद वैल्यू रिपीट होती है, मतलब आई रेस टू वन से लेकर आई रेस टू फोर वही आया, फिर रेस टू फाइव, रेस टू एट वही आया, रेस टू नाइन से लेकर रेस टू ट्वेल्व वही आया, आपने जस्ट देखा। और मैंने कहा रेस टू 13 से रेस टू 16 वही आएगा, रेस टू 17 से रेस टू 20 वही आएगा। तो क्या आप 4444 4532 तक करते रहोगे? नहीं, इतना टाइम नहीं हमारे पास। ठीक है, सुबह से शाम हो जाएगी, हमें इतनी गधा मजदूरी में नहीं जाना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क देखो क्या है, जो भी बड़ी सी पावर आपको दी है क्वेश्चन में उसको 4 से डिवाइड करो। और 4 से डिवाइड क्यों करना है मत पूछना, क्योंकि 4 से डिवाइड इसीलिए कर रहे हैं हम क्योंकि आफ्टर एवरी फोर्थ पावर साइकिल रिपीट होती है। कौन सी पावर के बाद? आफ्टर एवरी फोर्थ पावर साइकिल रिपीट्स, और इसीलिए डिवाइड बाय 4 करना है। सो जितनी भी आई रेस टू बड़ी सी पावर आपको दी है उसको 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन क्या आ रहा है हमें उससे मतलब नहीं, क्वेश्चन गया तेल लेने। ठीक है, क्वेश्चन से हमें मतलब नहीं, हमें मतलब है रिमाइंडर से। रिमाइंडर क्या आ रहा है बस वो देखो, मतलब अगर आप 4532 को 4 से डिवाइड करो तो 4 1s are 4, 0 5, 4 1s are 4, 4 3s are 12 and 4 3s are 12। रिमाइंडर क्या आ रहा है, मैंने कहा क्वेश्चन मारो गोली, हमें देखना है रिमाइंडर। रिमाइंडर आया 0, और बस यही इंटरप्रिटेशन मैंने आपके सामने बोला है, क्योंकि आप अगर 4 से डिवाइड कर रहे हो तो मैक्सिमम आपको क्या क्या रिमाइंडर मिल सकते हैं, 1, 2, 3 या फिर कंप्लीटली डिविजिबल यानी रिमाइंडर 0। सो 4 से डिवाइड करने के बाद ये सिर्फ 4 ही रिमाइंडर पॉसिबल है, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3 एंड रिमाइंडर 0। अगर आप 6 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 1, 2, 3, 4, 5, 0। 9 से करते हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0। ठीक है, ये स्कूल से हमें पता है। सो अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 1, 2, 3 या फिर कम्प्लीटली डिविजिबल यानी रिमाइंडर 0। तो यहाँ देखो 4532 ये 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल आया यानी रिमाइंडर 0 आया, और रिमाइंडर अगर 0 आया तो आपका आंसर क्या होगा, ये 1। आपका आंसर वही होगा जो आई रेस टू 4 का है यानी कि 1। तो दोस्तों हार्डली कुछ सेकंड में आपने आंसर दे दिया है कि आई रेस टू 4532 ये 1 होता है। आई रेस टू 4532 कितना होता है, 1। फिनिश, लिख लो ये। सी बड़ी से बड़ी पावर, अब हम देखते हैं इसका। ठीक है, आई रेस टू 372895 कितनी भी बड़ी पावर होने दो, रूल वही है, जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करो, और डिवाइड करने के बाद भी बस रिमाइंडर क्या आ रहा है वो चेक करो। पता है दोस्तों एक और मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, शॉर्टकट ट्रिक। सर इतनी बड़ी पावर को भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा? नहीं जरूरत,
स्कूल में हमने 4 का एक डिविजिबिलिटी रूल देखा था, सीखा था, क्या है मुझे बताओ? 4 का डिविजिबिलिटी रूल था कि कोई भी पावर या कोई भी वैल्यू 4 से डिवाइड होती है अगर उसकी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होता है, बराबर। कोई भी वैल्यू 4 से डिवाइड होती है अगर उसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं, मतलब जैसे 5 का आपको पता है कि कोई भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 5 या 0 है तो 5 से डिवाइड होता है, अगर कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट 5 या 0 नहीं है तो 5 से डिवाइड नहीं होता है। 2 का आपको पता है कि कोई भी इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है, अगर वो इवन नहीं है तो 2 से नहीं होता है। उसी तरह ये 4 का डिविजिबिलिटी रूल है, 2 का हमें याद होता है, 5 का हमें याद होता है, 4 का हम भूल जाते हैं, ठीक है। सो 4 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत क्लियर है, स्टैंडर्ड है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि कोई भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होते हैं ना, लास्ट 2 डिजिट, तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होता है। लास्ट 2 डिजिट अगर एक रिमाइंडर दे रहा है तो पूरा नंबर एक रिमाइंडर देता है, 2 रिमाइंडर दे रहा है तो पूरा 2 देता है, लास्ट 2 डिजिट अगर 3 रिमाइंडर दे रहा है तो पूरा नंबर 3 रिमाइंडर देता है। तो बस आपको पूरा फ्यूचर डिसाइड पूरे नंबर से ना करते हुए सिर्फ लास्ट 2 डिजिट से करना है। देख लो ज़्यादा दूर क्यों जा रहे हो, 32 ये नंबर मैंने देखो पूरे नंबर को 4532 पूरे नंबर को मैंने 4 से डिवाइड किया, तब जाके आपको आखिरी में दिखा कि रिमाइंडर 0 आ रहा है क्योंकि ये नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल आ गया। अरे अगर हम वो ना करते और सिर्फ लास्ट 2 डिजिट एज पर डिविजिबिलिटी रूल, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को अगर मैं 4 से डिवाइड करता, लास्ट 2 डिजिट क्या है 32, एंड 32 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4, 32 ये 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है ना, और हर वो नंबर जो कम्प्लीटली डिविजिबल होता है वो रिमाइंडर क्या देता है आपको 0, तो वैसे भी 0 आया, और अगर लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करते 4 से तो भी 0 ही आता, तो आंसर क्या आना था 1। तो इतना 6 डिजिट नंबर को 4 से डिवाइड ना करते हुए, यानी 372895 को 4 से डिवाइड ना करते हुए आपको सिर्फ क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट यानी 95 को 4 से डिवाइड, ठीक है। और ये तो ओरली भी आप कर सकते हो, 95 को अगर 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 3, ठीक है। अगर फिर भी आपको क्लिक नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट ये 2 डिजिट के लिए इतनी प्रोसेस आप कर सकते हो। सो 4 टू जार 8, 15, 4 थ्री जार 12, क्वेश्चन से मतलब नहीं, हमें देखना है रिमाइंडर, देखो रिमाइंडर 3 आ गया। चाहे तो एक बार और तसल्ली कर लो, अगर मैं इस पूरे नंबर को भी 4 से डिवाइड करता, 4 नाइन जार 36, 4 थ्री जार 12, 4 टू जार 8, 4 1 4 2 are 8 एंड 4 3 are 12, देखो ऐसे भी 3 ऐसे भी 3, क्यों इतनी मेहनत करे फिर, बराबर। लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड कर लो 4 से, उसने रिमाइंडर 3 दिया तो पूरा रिमाइंडर 3 आने वाला है, और रिमाइंडर 3 मतलब आपका आंसर क्या होता है, जब भी रिमाइंडर 3 है आपका आंसर आएगा वही जो आई क्यूब का है, और आई क्यूब का आंसर होता है माइनस आई, आई क्यूब का आंसर होता है माइनस आई, दिस इज द आंसर, लिख लो। बहुत आसान है, पूरी प्रोसेस फिर से समझो, आई रेस टू कितनी भी बड़ी पावर होने दो, और अगर उसका क्वेश्चन हमें आंसर पूछ रहा है तो सिंपल सा रूल है कि उस पूरे पावर को 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर क्या आ रहा है चेक करो, रिमाइंडर क्या आ रहा है उसके हिसाब से आपका आंसर फिक्स है। अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो आपका आंसर रहेगा आई, रिमाइंडर 2 आ रहा है तो आपका आंसर रहेगा माइनस 1, रिमाइंडर 3 आ रहा है तो माइनस आई, और रिमाइंडर 0 यानी कम्प्लीटली डिविजिबल है तो आंसर रहेगा 1, दैट्स इट। कितनी भी बड़ी पावर होने दो, और अगेन पावर कितनी भी बड़ी होने दो, 4 का डिविजिबिलिटी रूल है कि सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को आप 4 से डिवाइड करो, अगर लास्ट 2 डिजिट पूरा डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर पूरा होता है, और लास्ट 2 डिजिट अगर आपको 1 2 3 या कोई भी रिमाइंडर दे रहा है तो पूरा नंबर आपको वही रिमाइंडर देता है, ठीक है। सो ये है सिंपल सी प्रोसेस। अब देखो फटाफट और एक दो नंबर के लिए अप्लाई कर देते हैं। सो आई रेस टू 37915389 होने दो, कितना भी बड़ा होने दो, आपको पूरे नंबर से मतलब नहीं, आपको मतलब है लास्ट 2 डिजिट। सो 89 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, सो 4 3 4 2 8 0 0 ये आया 9 कैरी, ठीक है, 4 2 8 0 पे 9 कैरी किया, अगेन 4 2 8, सो 1 इज द रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर मतलब आंसर क्या आएगा, 1 रिमाइंडर में आंसर है आई, जब भी 1 रिमाइंडर है तो आंसर क्या है आई, आई बोलो या फिर रूट में माइनस 1 बोलो, एक ही बात है क्योंकि आई की वैल्यू है रूट माइनस 1, क्लियर। अगेन अगला नंबर अगर मैं लूँ,
I raised to 2, 7, 1, 5, 2, 5, 2, 6. फिर से लास्ट टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट है 26, 26 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो 4, 4, 6 आर 24, बराबर 4, 6 आर 24, तो रिमाइंडर क्या आया 2, 2 रिमाइंडर मतलब क्या है, आंसर इज माइनस 1, फिनिश, लिख लो दोस्तों फटाफट। तो कितनी भी बड़ी पावर होने दो, ये मेथड, ये ट्रिक आप फॉलो करोगे और फटाफट इसका आंसर बता दोगे। पूरे चैप्टर में याद रखो, आई की स्टैंडर्ड वैल्यू रूट माइनस वन, आई स्क्वायर की माइनस वन, आई क्यूब की माइनस आई, और आई रेस टू फोर की वन, और ये साइकिल हर चौथी पावर के बाद रिपीट होती है। तो कोई भी पावर आई रेस टू, इन चार पावर के अलावा, इन चार पावर के अलावा कोई भी पावर की वैल्यू निकालनी है तो ये प्रोसेस है। फोर से डिवाइड करो और रिमाइंडर क्या आ रहा है बस वो देखो। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट, अब कुछ और कंसेप्चुअल पार्ट देखते हैं हम, कुछ और कंसेप्चुअल पार्ट। उसमें सबसे पहले देखो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कोई भी दो या दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। ये आप कब बोल सकते हो, कब दावे के साथ आप बोल सकते हो, सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आई और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 z2 c प्लस डी आई, बराबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, और ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है ये आप तभी बोल सकते हो जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और दो कंडीशन क्या है, द रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर शुड बी इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर शुड बी इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट्स इट। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वालिटी में आएंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कहलाएंगे तभी जब ये दो पड़ाव पार करें। और दो पड़ाव क्या है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल रियल पार्ट शुड बी इक्वल विद ईच अदर एंड उन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट शुड बी इक्वल विद ईच अदर, बराबर। और ए है, सी है रियल पार्ट, बी और डी जो आई के साथ अटैच है वो है इमेजिनरी पार्ट, बी एंड डी। और अगर वो दोनों सेम है, सपोज यहां पे ए एंड सी आर इक्वल और यहां पे बी एंड डी आर इक्वल, तो फिर आप दावे के साथ डंके की चोट पे बोल सकते हो कि देयरफॉर z1 इज इक्वल टू z2, दैट इज दिस टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती और दूसरी नहीं, या दूसरी होती पहली नहीं, तो कोई हक नहीं इनको इक्वल बोलने का। इक्वल तभी है जब दोनों के रियल रियल पार्ट इक्वल है या दोनों के इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट, रियल रियल एंड या नहीं एंड दोनों के इमेजिनरी इमेजिनरी इक्वल, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ही फिर ये इक्वल है। क्लियर, यहाँ एटिकेटी नहीं है कि चलो यार ये पास हो गया ये फेल तो भी चलता है, पास डाल दो आगे, एटिकेटी एटिकेटी नहीं है यहाँ पे, ऑल क्लियर ही चाहिए। और ऑल क्लियर है ना, दोनों कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज z1 है a प्लस बी आई और z2 है 3 माइनस 4 आई। ठीक है, और इस बार क्वेश्चन आपको बोल रहा है इफ z1 इज इक्वल टू z2, मतलब क्वेश्चन ने क्लियर आपको बोल दिया है कि z1 z2 इक्वल है, सो फाइंड ए एंड बी, ए और बी आपको निकालना है। ठीक है, बट सबसे बेस्ट शानदार हिंट उसने क्या दिया है, z1 इज इक्वल टू z2, तो खत्म। अगर z1 और z2 इक्वल है मतलब डेफिनेटली वो इक्वल तभी बने होंगे जब इन्होंने दो कंडीशन सेटिस्फाई की होगी, बराबर। और बाय यूजिंग दिस टू कंडीशन आप आराम से ए और बी निकाल सकते हो। अगर z1 और z2 इक्वल है तो आप दावे के साथ बोल सकते हो कि दोनों के रियल पार्ट इक्वल है, यानी a शुड बी इक्वल टू 3, एट द सेम टाइम दोनों के इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल है, b इज माइनस 4 a इज माइनस 3, हो गया। देखो ये 3 माइनस 4 है, अब ये हमेशा प्लस के फॉर्म में है ना, सो इसको भी हमें प्लस के फॉर्म में करना है, सो 3 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 प्लस माइनस 4 आई, मतलब 3 प्लस
ये माइनस साइन को मैं 4 के साथ अंदर डाल रहा हूँ ब्रैकेट में, सो माइनस 4 है, चाहे तो क्रॉस चेक कर लो, प्लस इंटू माइनस फिर से माइनस, सो प्लस इंटू माइनस आपको माइनस 4 आई मिलेगा, लेकिन अब इन दोनों का कंपैरिजन बहुत वैलिड हो गया, ए प्लस बी आई, ये भी ए प्लस बी आई बराबर, ये भी प्लस के फॉर्म में, ये भी प्लस के फॉर्म में, तो ये ए की जगह आ गया है 3, मतलब ए शुड बी इक्वल टू 3, और बी के जगह प्लस प्लस एज इट इज, तो प्लस प्लस एज इट इज, बी के जगह कौन आ गया, माइनस 4, सिर्फ 4 मत लेना, बी इज इक्वल टू माइनस 4, साइन को रिस्पेक्ट करो तो मार्क्स आपको रिस्पेक्ट करेगा, एग्जामिनर आपको रिस्पेक्ट करेगा, सो ए ए प्लस प्लस बी बी आई आई, सो ए आया 3 प्लस बी आया माइनस 4, और आप ये दावे के साथ बोल सकते हो कि दोनों के रियल रियल पार्ट इक्वल ही होंगे और दोनों के इमेजिनरी इक्वल ही होंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल बोल दिया। सो इस तरह से ए और बी जो अननोन थे वो आपने निकाल लिए, लिख लो। नाउ नेक्स्ट एक कंसेप्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। बहुत इजी है दोस्तों, सिर्फ ये वर्ड थोड़ा हेवी लगता है, कॉन्जुगेट क्या है ये, कोई नया नहीं है, बहुत इजी है। सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आई, तो पता है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, उसका कॉन्जुगेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय जेड बार। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, जेड है, अगर उसका कॉन्जुगेट हमें निकालना है तो उसका सबसे पहले तो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जेड बार। अगर ये जेड वन होता तो जेड वन बार, ये जेड टू होता तो जेड टू बार, जेड टेन होता तो जेड टेन बार, ठीक है। सो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट इज रिप्रेजेंटेड एज बार, बस ये उसके जेड के ऊपर बार दे दो, वो हो गया उसका कॉन्जुगेट। सर ठीक है, ये तो समझ गया, सिंबल तो समझ गया, बट इसमें क्या होगा, मेन कॉम्प्लेक्स नंबर के स्ट्रक्चर में क्या होगा? तो मेन कॉम्प्लेक्स नंबर का स्ट्रक्चर आपको बोलता है कि रियल पार्ट शुड रिमेन एज इट इज, रियल पार्ट विथ वैल्यू विथ साइन एज इट इज रखो, इमेजिनरी पार्ट भी वैल्यू में एज इट इज रखो, लेकिन साइन शुड बी रिवर्स्ड, साइन शुड बी रिवर्स, यानी अगर ये प्लस है तो यह आ जाएगा माइनस, अगर यह माइनस होता तो यह आ जाता प्लस, ठीक है। याद रखो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालना है तो सबसे पहले तो वो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बस उसके ऊपर बार देना, ठीक है। और रियल पार्ट में रत्ती भर भी चेंज मत करो, जो वैल्यू है वही वैल्यू रखो, जो साइन है वही साइन रखो, सिर्फ उसका जो इमेजिनरी पार्ट का साइन है वो बदल दो, कि रियल ए का ए ही रहेगा, प्लस का प्लस ही रहेगा, इमेजिनरी भी बी आई है, लेकिन इमेजिनरी यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव था, या निगेटिव कर दो। अगर यह निगेटिव होता, मतलब z इज इक्वल टू ए माइनस बी आई, तो ये z बार उसका रिप्रेजेंटेशन a तो a ही रहेगा और ये माइनस हो जाएगा प्लस बी आई, क्लियर है। मतलब रियल में नो चेंज, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, बच्चों वाली बात है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कॉन्जुगेट निकालना है तो क्या करना है, रियल में नो चेंज, इमेजिनरी का साइन चेंज, दैट्स इट। रियल में हल्का सा भी चेंज नहीं, जैसा है वैसा कॉपी पेस्ट, जिसमें आप माहिर हो, बट इमेजिनरी का साइन चेंज करना ना भूलो, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल टू, या फिर जेड इज इक्वल टू टू प्लस थ्री आई, जेड इज इक्वल टू माइनस टू प्लस थ्री आई, जेड इज इक्वल टू टू माइनस थ्री आई, जेड इज इक्वल टू माइनस टू माइनस थ्री आई। सो इनके कॉन्जुगेट देखो, जेड बार इज इक्वल टू रियल शुड बी एज इट इज विद सेम साइन टू, बट इमेजिनरी का साइन कंपल्सरी चेंज, माइनस थ्री आई, ये हो गया फर्स्ट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है। देन जेड बार इज इक्वल टू रियल जो है वैसा, साइन अगर माइनस है तो माइनस, प्लस था तो प्लस, माइनस है तो माइनस, रियल आपको बिल्कुल हल्का सा भी चेंज करने की परमिशन नहीं देता है, सो माइनस टू, बट इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, तो जैसे प्लस का माइनस हुआ यहाँ पर भी प्लस है, माइनस थ्री है, रियल माइनस टू एज इट इज, इमेजिनरी का साइन चेंज, ये हुआ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। नाउ थर्ड, रियल एज इट इज टू, बट ये माइनस है तो इमेजिनरी हो जाएगा प्लस थ्री, द लास्ट यहाँ पे रियल है माइनस टू तो माइनस टू रख दो, बट इमेजिनरी माइनस है तो उसको प्लस कर, क्लियर है दोस्तों। तो ये है सेकंड कंसेप्ट, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट अगर हमें निकालना है तो सिंपली क्या करना है, उसके इमेजिनरी पार्ट का सिर्फ साइन चेंज करना है, बाकी चीजें एज इट इज, क्लियर।
सर ये कहाँ लगेगा, क्यों लगेगा, ये सब हम आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना लिखो, एक एक कंसेप्ट मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब तक कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने क्या देखा, एक हल्का सा रिवाइज करवा देता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, रियल पार्ट यानी जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है, इमेजिनरी पार्ट यानी कोई भी इमेजिनरी पार्ट कैसे रिप्रेजेंट होगा, उसके साथ अगर आई है तो किसी भी रियल नंबर को आप आई चिपका दो वो बन जाता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, जैसे ये 3 3, ठीक है, ये बी, ये 4, ये सब क्या रियल नंबर है, ये -4 रियल नंबर है, लेकिन उसके साथ बस मैं अगर आई चिपका दूँ मतलब ये -4 आए, ये बन गया इमेजिनरी। बराबर, बी के साथ आई चिपक गया इमेजिनरी, 3 के साथ आई चिपक गया इमेजिनरी, -3 के साथ आई चिपक गया इमेजिनरी। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल तो रियल है जहाँ पे आई बिल्कुल नहीं होगा, इमेजिनरी में कंपलसरी आई लगा हुआ होगा, मल्टीप्लाई हुआ होगा। ठीक है, सो दोनों का मिक्सचर, दोनों का कॉम्बिनेशन यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। आई की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है √-1, आई स्क्वायर की -1, देन आई क्यूब की -i और i^4 की 1, और हर फोर्थ पावर के बाद साइकिल रिपीट्स इन वैल्यूज़ की। तो i^2 कोई भी पावर की अगर आपको वैल्यू निकालना है क्या करोगे, पावर जो भी है उसको डिवाइड बाय 4 करो, जो भी रिमाइंडर आएगा उसके हिसाब से आंसर डिसाइड करो। अगर रिमाइंडर 1 आया तो i आंसर है, रिमाइंडर 2 आया तो -1, रिमाइंडर 3 आया तो -i, रिमाइंडर 4 आया तो 1। उसके बाद हमने देखा इक्वालिटी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होते हैं जब उनके रियल रियल पार्ट इक्वल होते हैं एज वेल एज इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट इक्वल होते हैं, विथ वैल्यू विथ साइन सब इक्वल। ठीक है, तो अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, रियल इज इक्वल टू रियल, इमेजिनरी इज इक्वल टू इमेजिनरी, देन दिस टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर सेड टू बी इक्वल। एंड उसके बाद हमने देखा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट रिप्रेजेंट होता है इस तरह से जेड बार से, फिर ऊपर बार दे दो। ठीक है, और वो बनता कैसे है, तो रियल पार्ट शुड बी एज इट इज और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, दैट्स इट। ठीक है दोस्तों, तो इतनी टर्मिनोलॉजी, इतने बेसिक कंसेप्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने देखे हैं। अभी भी बहुत सी चीज़ें, ह्यूज टॉपिक है बट बेस्ट टॉपिक है, मज़ा आ जाएगा ऐसा टॉपिक है। ठीक है, तो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट इस टॉपिक की जो जान है, अलजेब्रा, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो इस टॉपिक की जान है वो हमें देखना है, बट वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो अभी के लिए इतना सब रिवाइज करो, जो भी डाउट है बिंदास पूछो, और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपको ये पूरा टॉपिक, ये पार्ट तो बेशक मैं YouTube पे डाल रहा हूँ, लेकिन अगर ये पूरा टॉपिक आपको चाहिए तो मेरा खुद का नाम जो है विनीत कांकरिया। ठीक है, बहुत सो को पता है, बहुत सो को नहीं पता है, चैनल का नाम भी मेरे नाम से ही है। सो मेरे नाम से ही हमने एक ऐप लॉन्च किया है गूगल प्ले स्टोर पर, विनीत कांकरियाज एकेडमी, आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उसमें ये पूरा टॉपिक आपको मिल जाएगा, यही क्या, इनफैक्ट आपको जो भी टॉपिक चाहिए मैथ्स और स्टैट्स के कोई भी लेवल के आपको सारे मिलेंगे। अभी एक एक चीज़ों की रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, सो आपको धीरे धीरे हर चीज़ रेडी दिखेंगी उसमें। वहाँ पे मेरे ऐप में एक स्टोर ऑप्शन है, स्टोर ऑप्शन में जाओ और ये सारे टॉपिक आप परचेस कर सकते हो। हाँ, एक नॉमिनल कॉस्ट आपको बेशक बेयर करना है, क्योंकि वो नॉमिनल कॉस्ट भी इसीलिए क्योंकि हमें सर्वर की कॉस्ट है, तो सर्वर की कॉस्ट जो हमारी हमें लगती है उतनी नॉमिनल कॉस्ट हम पर टॉपिक चार्ज कर रहे हैं, लेकिन वो ह्यूज पूरा टॉपिक आपको उस नॉमिनल कॉस्ट में मिल जाएगा जो 100% वर्थ है। और उसके अलावा कोई भी आपके फिर डाउट आते हैं तो आप बेशक इस व्हाट्सएप पे डाउट पूछ सकते हो, आपको पूरा सॉल्यूशन फोटो निकाल के सेंड किया जाएगा। ठीक है, उतनी भी गारंटी। तो आप दुनिया के कोई भी कोने में बैठे हो, आप आराम से पूरा मैथ्स बहुत अच्छी से, बहुत शिद्दत से और बहुत क्लैरिटी के साथ मेरे से पढ़ सकते हो। तो अगर आपको वाकई में टीचिंग पसंद आई है तो चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे भी वीडियोस आते रहेंगे, लेकिन अगर पूरा कोर्स चाहिए तो मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए, विनीत कांकरिया। अगर गूगल प्ले स्टोर पे आप सिर्फ इतना भी डाल दो विनीत कांकरिया तो पहला ही ऐप मेरा आता है विथ VK सिम्बॉल। ठीक है, वो आप डाउनलोड करो और छोटे छोटे जो टॉपिक्स है आप परचेस करना शुरू करो और देखना शुरू करो। ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है, उसमें टॉपिक्स अपलोड होते रहेंगे, आप लेना शुरू करो, अपना टाइम वेस्ट ना करो। ठीक है दोस्तों, गुड डे।